को टैक्स देना पड़ता है, टैक्सेबल है। सेकेंड 12A और 80G, ये ऐसे दो काम हैं जो दोनों साइमल्टेनियसली आप कर सकते हैं। लोगों को ये भी नहीं पता है, लोग समझते 12A पहले करना है, समझ लीजिए 12A 3 साल बाद, पहले तो ये गलत फहमी, 3 साल बाद, तो 3 साल संस्था बन के फिर 12A के लिए, फिर बोलते हैं और 3 साल रुको 80G के लिए, फिर बेचारा 3 साल रुकता है 80G के लिए जाता, ये सब गलत फहमी। आप 12A और 80G साइमल्टेनियस जा सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन ये बात याद रखिए 80G के लिए 12A कंपलसरी है। तो आप बोलेंगे फिर साथ कैसे हो सकते हैं, साथ ऐसे होते हैं कि आप सबमिशन दोनों का साथ कर सकते हैं, 12A के सबमिशन का रेफरेंस नंबर लेकर 80G के फॉर्म में कोट करना पड़ता है, बस इतना हो गया तो दोनों साथ कर सकते हैं। आप काउंटर पे गए, सबमिट किया, इसका रेफरेंस नंबर लिया, इसमें कोट किया, इसको सबमिट किया, तो रेफरेंस लगता है कि आपने 12A के लिए डाल 80G, और दोनों एक साथ भी आपको एक ही दिन मिल सकते हैं, मतलब जब भी समझो 3 महीने उसके जो प्रोसेस के बाद मिलेगा, दोनों एक ही दिन मिल सकते हैं आपको। तो ये गलत फहमी भी दूर कीजिए, 12A 80G साथ हो सकते, 80G क्या हम आगे देखेंगे, ठीक है। अगर सोसाइटी पुरानी है, समझो 1 साल की हो गई, तो पूरा 1 साल का उसको ऑडिट सबमिट करना, 2 साल पुरानी है 2 साल का सबमिट कर, 3 साल है 3 साल, सोसाइटी 20 साल पुरानी है, अब 12A के लिए जा रही है, तो उसको मिनिमम लास्ट 3 ईयर्स का सबमिट करना पड़ेगा। तो वो 3 ईयर्स का जो लास्ट है वो पुरानी सोसाइटी के लिए, वो गलत फहमी गलत धारणा लोगों में फैला दी गई कि 3 साल के बगैर रजिस्ट्रेशन नहीं होता, वैसा नहीं। पुरानी संस्था जो 2, 5 साल, 10 साल से चल रही थी, अब अगर जाती है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसको फिर अब 3 साल का उसके लास्ट ऑडिट सबमिट करना पड़ेगा, ठीक। चलिए आगे, अस्सलामुअलैकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल हासिल करने के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें और सवाब के हकदार बने। रोजाना हमारे नए वीडियोस पाने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए IDs को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।